ये कारण है प्रधानमंत्री का। बहुत गंदी राजनीति ये सरकार कर रही है। हम हमारे गांव में और गांव में ये बोलेंगे अग्निवीर में अगर कोई भर्ती आती है तो किसी ने नहीं जाना है। हम विरोध करते हैं, अपने बच्चों को, गाँव के बच्चों को अग्निवीर में नहीं जाने देंगे। बहुत शर्म की बात है, उसका जुंट का भी हक बनता था जो टेन जैकरेबल है, कम से कम उसको शहीद का दर्जा बाद में मिलता है, फिर भी देख लेते, सलामी देने के लिए तो आ जाते। तो यहाँ पर जो है अमृतपाल को कब लाया गया? डेड बॉडी 12 तारीख को आनी थी, वह 13 तारीख को लेके आई थी सुबह 7:30 बजे। ने ये नहीं बताया कि इसको हम एम्बुलेंस में लेके आ रहे हैं या कैसे लेकर रहे हैं। जब हमारे इधर गाँव में पहुँचे तो सिविल एम्बुलेंस में। लेकिन अब जो जानकारी आ रही है वो ये कि ये कहा जा रहा है कि खुद से अपने आप से गोली जो है मार ली, इस तरह की बात कही जा रही है। जो आदमी काम नहीं कर सकता, किसी से परेशानी, वो ऐसा कर सकता है, लेकिन शाम को जो अपने डैडी के साथ बात भी करता है, उसको कोई प्रॉब्लम होती है बताता। मेरा बेटा कर ही नहीं सकता ऐसा काम, हमने मना करके नहीं था, जिसके कारण वो गोली जो बोल रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई पार्टी के नेताओं ने भी लिखा कि ये अग्निवीर का कम से कम सम्मान तो होना चाहिए था। फौजी मारते हैं, फौजी गया, फौजी में वो शहीद होया मेरा बेटा। जो मैं उसको 20 साल का बेटा आपका उसको दे दिया, समा दिया, वो मेरा नहीं रहा, वो उसका हो गया। उसको कुछ भी हो सकता है, कोई हादसा हो सकता है, वो उसके जिम्मेदार हुआ, उसका हर समान मानना चाहिए। जो ये अग्निवीर का नाम बता दिया है ना, किसी को नहीं पता कि अग्निवीर क्या है, अब पता चल रहा है कि इसको तो शहीद ही नहीं मार रहे हैं। इस वक्त मैं कोटली कला में हूँ, पंजाब के मानसा में कोटली कला गांव है, जहां पर गुरदीप सिंह हमारे साथ में है और इन्हीं के बेटे अमृतपाल की तस्वीरें देश भर ने देखी, देश भर में वो तस्वीरें वायरल हुई और लोगों का सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या अब देश की सरकार देश के पहले अग्निवीर को शहीद नहीं मानेगी। बहुत सारे सवाल हैं और इसको लेकर के आर्मी की तरफ से एक स्पष्टीकरण आया है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले उनके घर पर आए हैं। कब आपको पता चला? 10:30 को 6:30 टाइम था। अभी मैंने फ़ोन रख के साथ हुई बात, बोला कैसा है डैडी, मैं ठीक है पुत्रा, कहता क्या कर रहे हैं, कितने हैं, महा मैं मोड़ मंडी में, हडे मोड़ मंडी है, मैं उत्थे गड्डी तैयार रहे हैं घर में, कहता ठीक ठाक है सारा, बहुत बढ़िया ठीक है, मैं तू ठीक है पुत्र, कहता बहुत ठीक हाँ, बोला बढ़िया बात हुई, चल कहाँ ठीक है डैडी, चल मैं सुबह मम्मी के बात ज़्यादा बात करता था, हो कहता मैं सुबह चल मम्मी को बोलो भी मैं सुबह बात करेंगे, मैं ठीक है पुत्र। सुबह मैं इतने पिया था, एक फोन होर लड़के का आ गया किसी का उस टाइम में, मैं बच्चे को बोल मारा, मैं गुड़िया फोन ले जो चाह के तुरे भाई का फोन आ गया। जब बच्चे ने फोन उठाया वो बोलिया ताया जी ये फोन अमृत का नहीं है, ये किसी का होर है, मैं चल ठीक है पुत्र। उदू बाद जी 3:30 बजे बोलते हंसता हो गया। उदू बाद तो रात को उनकी ड्यूटी रात की चल रही थी? एक बजे चलता था जी, 1 बजे बोलता मैं 1 बजे ड्यूटी जाता है। 1 से कितने बजे तक थी? पता नहीं 4 बजे तक थी, ऐसा कुछ से। अच्छा, तो भर्ती वो पिछले साल हुए हैं? हाँ जी हाँ जी, 10 महीने हुए पूरे, 10 महीने भर्ती। अभी आखिरी छुट्टी कब आए थे वो बीच में? ए जी आए ला लो भी 20 तारीख को गया गा है छुट्टी काट के, उदू 20 अगस्त, हाँ अगस्त को आया था भी, 15 दिन की छुट्टी आया था, वो 15 दिन उसको मैनेज कर लो भी, वो चला गया छुट्टी काट के, हंसता हंसता गया, बहुत बढ़िया मंगनी करा के गया गा। अच्छा, मंगनी हो गई थी? मंगनी हो गई थी, अरेंजमेंट हो के, बहुत बढ़िया लड़की सी, बहुत प्यार करता सी, साडा रिश्तेदार था, वो बोला भी मेरी भाई के 3 लड़की है, जो मेरी भरजाई है उसकी उत्थे सिस्टर है, उसके रिश्ते में रिश्ता हुआ था भी, मेरे 3 कुड़ियां है, बच्चा छोटा है भी, मेरा इसके लड़के को रिश्ता करवाऊँ तो मेरी लड़की साथ में भाई भाई में अरेंजमेंट हो जाएगी। उसने सोच के मेरे लड़के को रिश्ता कराया था, मेरे लड़के ने खुशी रिश्ता लेता सी, पहला रिश्तेदारी सी जानते आते सी, बहुत खुशी ना गया है जी, खुशी नाल मैंने फोन करेगा, मेरी जो भतीजी आ उसका 24 तारीख की अरेंजमेंट रखी हुई है, अरेंजमेंट में आना था 24 को अमृतपाल ने आना था, मैंने बोला डैडी हमारी छुट्टी होगी, मैं तेरे को 25 तारीख से घर आ जाएगा। मेरी गुड़िया गई जो बाहर, वो गुड़िया बोली मैं 14 तारीख को टिकट करा ली,
वीरा 24 को आएगा, मैं 14 को आएंगे। असी बहुत माहौल अस्सा बना के भी ब्याह दे विच नच्चा टप्पांगे। फिर जो मेरी लड़की है, जो ये भर्ती हुआ था, मेरी लड़की 5 साल बाद आई थी। ये मेरा लड़का उदे आने तो 1 महीना पहला यानी कि भर्ती हो गया, भर्ती हो गया। इनू आए थी भी महीना रहेगा, उधर मेरी बेटी ने टिकट कटा ली आना था। इन्होंने की कराया, इन्होंने 15 दिन में भी जल्दी जल्दी आ जाओ बुला ले। मेरा लड़का ही बोला भी इतना सेहत पर मैं बहन को कैसे मिलेगा। चलो पुत, उत्थे भाग गया लड़का, ट्रेन में भाग गया। फिर उसने मैनू फोन कराया, डैडी कुछ भी हो जाए मैं बहन को मेरी नू मिला के लेके जाना। चलो ठीक है, टालिया फैलिया बच्चे को, मैं भी एडी मैं एडी बाट कैसे लेके आवा, थके आएगी बेचारी, वो भी 2-4 दिन छुट्टी आएगी। हमने फिर भी रिस्क लिया, 1 दिन रात पूरी गाड़ी खड़ी हो अपनी, दिन रात गाड़ी चला के मैं उसके साथ उस मिला के लेके आया, जाके रात कट्टी जबलपुर। उत्थे सुबह मैनू आर्मी ने सदा 8 बजे गया जी, सानू 12 बजे तक उसके साथ मिलने के लिए दिया। बहुत बच्चे उसके साथ मिले, कहना डैडी कब मैं चला गया, ये छुट्टी कट के चले जाए, कब इकट्ठे होएंगे। उदों का लड़का मिला हुआ मेरा, इकट्ठा नहीं हुए बच्चे, अभी इकट्ठे होना था, ये रब ने नहीं इकट्ठे होने दिए। तो परिवार में पूरा हंसी खुशी का माहौल था, शादी की तैयारियां चल रही थी, आप ये कह रहे हैं? ज़्यादा जी, उस दो ये हादसे से 2 दिन पहला से कपड़ा लीड़ा लेन गए थे हमारे, हुण गेहूं कटने का टाइम आ गया, जीरी धान कटने का टाइम आ गया। वो वाला तुम उलझ जाओगे, वो घर के बोले भी आप लीड़ा कपड़ा ले आइए, लीड़ा कपड़ा शादी कर लिया आए। सानू उत्थे फोन लाता रहा मानसा में, 2-3 बार फोन लाया, असी आखा इस करके भी लीड़ा कपड़ा ले रहे हैं। बहुत खुश सी। तो रोज़ाना आपकी फ़ोन पर बात होती थी? तीसरे दिन होती थी। अच्छा, तो अभी 11 तारीख को ये सुबह बताया कि 11 तारीख को ये हुआ। हाँ जी, 11 तारीख को कितने बजे हुआ है वो बता रहे हैं अभी, 3:30 बजे हुआ, 3 बजे, 3:30 बजे। क्या बताया गया आपको? भी शॉट हो गया, गन शॉट हो गया। तो गन शॉट कैसे हुआ ये नहीं कुछ बताया, ये नहीं बताया। और आपको फिर कब जानकारी मिली, आपके पास फोन आया, कैसे क्या पता चला? इतने लड़का था उसको जंट का रेगुलर, वो रेगुलर लड़का थे मानसा के साथ पिंड है चकेरी, उसों का था। उस लड़के ने हौली हौली इतने ये बैठे सरदार जी इसके साथ हौली हौली 2 बंदे के उसके आके उन्हें बात करी भी ऐसे मैं अमृत बाल के घर जाना। पहला बोले कैसे जावे, या वो बोला ऐसे आ बात होगी, ये डर गए बेचारे। हौली हौली मेरे पास इन्हें फोन करा, मैं बोला ये कहना क्या कर रहे हो गुरदीप जी? माँ जी मैं मंडी जा रहे हैं लड़की को छोड़ने के लिए, पढ़ने के लिए। ये बोला जब ही जाना नहीं मैंने एक काम मा जरूरी भी, अभी रुक जाओ महा यार आके बात कर लेंगे। ये कहना अभी रुको, चलो आगे। जो तो मैं बाहर निकले 5-6 बंदे इकट्ठे उसके साथ आ रहे। ये बोला भी ये बोले भी ये अमृत के डैडी आ। जो बोले अमृत के डैडी आ, हम भी काम करते हैं बाहर, गाड़ी चलाते हैं, पता गया बंदे साथ जाते हैं भी गलत काम हो। मेरे दिल में उदी वजह थे से पूछ, फिर अंदर ले आए इतने हौली 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 दस्या। उन्हें पूरी जानकारी नहीं दे सकता था, जो अफसर बोलते थे वही करता था। तो यहाँ पर जो है अमृतपाल को कब लाया गया? 13 तारीख। थोड़ा आ गया जी, या तो आप बता दीजिए। 13 तारीख कल जो सुबह 7:30 बजे ना, जो 13 तारीख को लेके, हाँ जी 11 तारीख को ये हुआ और 13 तारीख को लेकर 11 तारीख को, मतलब सुबह का जी हादसा बता रहे हैं कि 3:30 और 4:45 के बीच में जो काम हो गया है। उसके बाद वो लड़का था जो चकेरा का, उसने आके बताया गांव के किसी और घर में चला गया। फिर पूछताछ किया कि जहां गुरदीप सिंह का ना है जो उसके घर में जाना है, उसका बेटा जो अग्निवीर है उसमें है, उसने पता करके इसके घर में पहुँच गए। तो फिर उसने जैसे जैसे उसको पीछे से कोई बात हो रही है ना वैसे ही बताया कि इस कारण उसकी डेथ होगी, कैसे हुई है, उसके गोली लगी है, कैसे लगी ये नहीं पता है, इतना बोल कर चले गए, हथियार से शॉट हो गया है तो ऐसा बता रहे थे। उसके बाद इसकी जो बहन है वो बाहर कनाडा में रहती थी, उसको भी लाना था। डेड बॉडी 12 तारीख को आनी थी, वह 13 तारीख को लेके आए थे सुबह 7:30 बजे। लेकिन लेकर हमारे को यही बोल रहे थे हम आ रहे हैं, किसी ने ये नहीं बताया कि इसको हम एम्बुलेंस में लेके आ रहे हैं या कैसे लेकर रहे हैं,
जब हमारे इधर गांव में पहुंचे तो सिविल एम्बुलेंस में उसके साथ में एक जेसीओ था, दो जवान थे जो सिपाही है, सिविल ड्रेस में थे, कोई आर्मी वाला पर्सन नहीं था। और गाड़ी कैसी, प्राइवेट गाड़ी? वो एम्बुलेंस में जो सिविल एम्बुलेंस होती है ना उसमें लेकर आए थे। अच्छा, प्राइवेट थी वो भी? प्राइवेट थी। जो अधिकारी जो आए थे वो वर्दी में थे, बगैर वर्दी? बगैर वर्दी के थे, सिविल ड्रेस में थे। सिविल ड्रेस में जी। उसके बाद में गांव में इधर सब लोग, इधर आप लोग इकट्ठा हो रखे थे? हाँ जी, पूरा गांव जहां पर पहले से इकट्ठा हुआ था। जैसे ऐसा कोई हादसा हो जाता है ना तो पूरे गांव में सुनसान हो गई थी कि हमारे गांव में जो लड़का है, पहला लड़का है जो शहीद हुआ है। और भी मुझे अभी बताया, तीन अग्निवीर जो है वो एक साथ भर्ती हुए? हाँ, हमारे गांव में ये तीन लड़के मतलब हुए थे, दो तो सिख रेजिमेंट में चले गए हैं, ये 10 जैक राइफल में चला गया था। तो ये 20 दिसंबर 2022 को भर्ती हुए हैं। लेकिन अब जो जानकारी आ रही है वो ये कि ये कहा जा रहा है कि खुद से अपने आप से गोली जो है मार ली, इस तरह की बात कही जा रही है? नहीं नहीं, हमारा ऐसा लड़का नहीं है। गाँव में रहता था, बहुत अच्छा था, इसके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जो आदमी काम नहीं कर सकता, किसी से परेशानी, वो ऐसा कर सकता है, लेकिन शाम को जो अपने डैडी के साथ बात भी करता है, उसको कोई प्रॉब्लम होती है बताता, ऐसा कुछ नहीं था। खुशी खुशी में घर में प्रोग्राम है, वो बच्चा बज्जा भरता है भी हम घर में जाएंगे, बहन का ब्याह करेंगे। हम में बोला भी मेरे पास एक बुलेट लेके आना, मैं छुट्टी तो मेरी आंट से पहला घर में लेके आना। लेकिन जब आपको ये अभी पता चला होगा बाद में कि कहा जा रहा है कि खुद से गोली वो कर ली है, तो बुरा तो नहीं मानना? मैं मन ही नहीं, मेरा बेटा कर ही नहीं सकता ऐसा काम। हमने मनना नहीं था जिसके कारण वो गोली, जो बोल रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब बच्चा गांव में रहता है तो उसके बारे में पता होता है ये लड़का कैसा है। हमारे पूरे गांव में जितने जो लोग बैठे हैं, किसी एक से भी आप पूछ लो, उसने कभी ऐसा कोई नशा भी नहीं किया है, कभी जिंदगी में ऐसा काम ही नहीं किया। जैसे बोलते हैं ना कोई शरारत करता है बाहर जाके, ऐसा भी उसने कभी जिंदगी में काम नहीं किया। दारू मीट अंडा जर्दा बीड़ी कुछ भी, फौज में भी नहीं खाया उसने, मुंह में डाला नहीं। वो बोला मैं, होता है छोटे लड़के होते हैं ना, कोई चिकन खाता है, कोई अंडा खाता है, वो कुछ नहीं खाता था, ऐसी चीज को तो हाथ ही नहीं लगाता था। जहाँ पर हमें बुलाया भी नहीं गया, अभी कैसे गनशॉट हुआ है, कैसे जो एरिया है अभी कैसा है, कहाँ डेथ हुई है, हमें बताया नहीं गया, ना ही हमें बुलाया गया वहाँ पर। बुलाना था हमें, बुलाना तो था, हमें दिखाना तो था भी ऐसे गनशॉट हुआ है, ऐसे डेथ हुई है, नहीं बुलाया गया। हम बोला हम लेके आते हैं, हम उनको बोला था हम आते हैं, वो बोले कि नहीं हम वहीं पर आएंगे, तुम्हें मत आना, ऐसे बोले वो। लेकिन अब जिस तरह से बातें हो रही हुई है कि बहुत सारे लोग जो है वो देश में इसको लेकर के लिख रहे हैं, कई पार्टी के नेताओं ने भी लिखा कि ये अग्निवीर का कम से कम सम्मान तो होना चाहिए था, जमा होना चाहिए। हम तो अग्निवीर मारे कोई पता नहीं, हमें या हमें कुछ को किसी को लड़के को भी नहीं पता, हमने उसके बाबा हमें भी पता, हम ये असीधा उसको बोलते हैं फौज में गया है, फौज में मेरा फौजी मानते हैं फौजी गया, फौजी में वो शहीद होया मेरा बेटा, जो तो मैं उसको 20 साल का बेटा आपका उसको दे दिया, समा दिया, वो मेरा नहीं रहा, वो उसका हो गया, उसको कुछ भी हो सकता है, कोई हादसा हो सकता है, वो उसके जिम्मेदार हुआ, उसका हर सम्मान मानना चाहिए, मेरा शहीद होयागा बच्चा, वो तो उसके एमी कुछ कह सकता है। लेकिन कह रहे हैं कि शहीद, अब नई जो पॉलिसी है उसके तहत शहीद नहीं मानेंगे, मनेगा क्या? नहीं मनना पड़ेगा, जो तो मैं आपका 20 साल का लड़का दिया, उसने वर्दी पाई, उसने ड्यूटी करी, हथियार देता, हथियार सिखाया उसको, वो क्यों नहीं मनेगा? मनना पड़ेगा। घर में थोड़ा वो ऑन ड्यूटी में हुआ है ना, जब वो ड्यूटी कर रहा था, ड्यूटी में था उसके पास हथियार भी था, अगर उसको अच्छा सिखलाई दिया हुआ है तभी होगा। ये 6 महीने की उसकी ट्रेनिंग बता रहे हैं, 6 महीने उसने क्या कितना सीख लिया है, 6 महीने में अगर उसने फायर भी किया होगा जुंट में, 6 बार भी फायर नहीं किया होगा उसने, लेकिन ठीक है हालातों के हिसाब से जेंट के में चला जाता है, उसकी ड्यूटी लग जाती है, लेकिन हम नहीं मानते हैं उसको। कम से कम इधर जो सम्मान बनना था गार्ड ऑफ ऑनर वो तो देना था ना, उसको कौन दे रहा है? पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब पुलिस दे रही है हमारी, हम सेंटर ऊपर क्या उम्मीद लगाएं? जो ये अग्निवीर का नाम बता दिया है ना, किसी को नहीं पता कि अग्निवीर क्या है, अब पता चल रहा है कि इसको तो शहीद ही नहीं मार रहे हैं,
19 साल में भर्ती हुआ, जो आदमी 5 साल करके 24 साल में रिटायरमेंट होकर घर में आ गया, तो उसको क्या मिलेगा? मेडिकल सहूलत उसको नहीं है, उसकी पेंशन भी नहीं है, उसको किसी तरह की फैसिलिटी नहीं है, कंटीन की कोई सुविधा नहीं है, तो क्या करेंगे हम उसके बारे में? बहुत शर्म की बात है, उसका जुंट का भी हक बनता था जो टेन जैकरेबल है, कम से कम उसको शहीद का दर्जा बाद में मिलता है, फिर भी देख लेते, सलामी देने के लिए तो आ जाते। 81 एरिया बठिंडा में है, उनसे बात किया मैंने खुद, बोले जो जुंट डिटेल करेगी, जुंट वालों में, मैं खुद फौज में 2016 में रिटायरमेंट होकर आया हूँ, हमारे को वो इस बात की शर्म आ रही है, हम फौजी हैं, लेकिन हमारे को जैसे गांव में किसी की डेथ हो जाए ना फौजी की, उसके लिए भी 81 सब एरिया बठिंडा में फौजी आदमी टुकड़ी आती है, सलामी देकर जाती है, ये तो ऑन ड्यूटी में था, हक बनता था फौज का। अभी क्यों सरकारें एक दूसरे के ऊपर लगा रही हैं? 2024 की वोटें आ रही है, ये कारण है प्रधानमंत्री का, बहुत गंदी राजनीति ये सरकार कर रही है। हम हमारे गांव में और गांव में ये बोलेंगे, अग्निवीर में अगर कोई भर्ती आती है तो किसी ने नहीं जाना है, हम विरोध करते हैं, अपने बच्चों को, गांव के बच्चों को अग्निवीर में नहीं जाने देंगे। मरने के लिए नहीं, हम दस मरने के लिए 5 साल में कौन बोलता है? मरने के लिए मांग रहे हैं तो बच्चे को फिर क्यों भेजेंगे अग्निवीर में? इसको कोई बेनिफिट ही नहीं देंगे, क्यों भेजेंगे? तो अब गांव में ये माहौल है कि अग्निवीर के तहत भर्ती अगर होगी तो नहीं देंगे? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, कोई बच्चा नहीं देंगे। हम गांव में बोलेंगे, जिले में बोलेंगे और पूरे पंजाब में और पूरे हिंदुस्तान में जे मीडिया के थ्रू जाएंगे, अग्निवीर में किसी ने नहीं भर्ती होना, ये मोदी है, डानी है, सब इनकी चाल है, ये हमारे बच्चों को तैयार करके एक अच्छा नौजवान ट्रेन करके थ्यार के जरिए अपने में भर्ती करेंगे, उसको कोई कोटा नहीं दिया गया। पहले होता था ना कि आदमी फौज से रिटायरमेंट होके आएगा, किसी पंजाब पुलिस में भर्ती हो सकता है, और है कोई पटवारी बन सकता है, हमारे साथ लड़के बने भी हुए हैं, इसको तो कोई सहूलत ही नहीं है, हम कैसे करेंगे? हम पूरे गाँवों में, पूरे पंजाब में, हिंदुस्तान में इसकी विरोधता करते हैं, अग्निवीर में हम नहीं भर्ती होने देंगे, ना ही हमारे लड़कों को हम बोलेंगे। हम पूरे एक्स सर्विसमैन जितनी लीग चल रही है हमारी, सभी हम ये विरोध करेंगे। हमने पहले भी किया था दिल्ली में जाकर, जंतर मंत्र में बैठे थे ना, उस टाइम भी हमने इसका विरोध किया था, लेकिन नहीं माना। अब इसका 3 महीने के बाद बैठ जाया है ना, पहली घटना ये है हमारे कोटली कलां जिला मानसा से ही, लेकिन इसके बाद देखना 5 साल बाद इसका जो नतीजा आएगा बहुत गलत निकलेगा। 5 साल बाद आ जाएगा, उसको 11 लाख दे देंगे, जे 11 लाख में क्या कर लेंगे हम? हमारे को फैसिलिटी नहीं है क्या? हम 5 साल के बाद हमारे बच्चों को प्लस वन में पढ़ना शुरू करेंगे कि बेटा 5 साल कर लिया बहुत है, उसको कोई शादी करने के लिए लड़की भी नहीं देगा? ये हकीकत बात है, इसका नतीजा 5 साल बाद पता चलेगा। जिस तरीके से ये अग्निवीर को लेकर के सवाल उठ रहे थे, ट्रेनिंग को लेकर के खास तौर पर सवाल उठ रहे थे कि 4 साल के अंदर जो है वो किस तरह से पूरी ट्रेनिंग होगी और किस तरह से जो है उसके अंदर मैच्योरिटी आएगी, तो क्या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये ट्रेनिंग भी शायद कम हुई है या इसलिए कोई बात है? ट्रेनिंग बहुत कम है, 6 महीने में कौन सी ट्रेनिंग इन्होंने कर ली है? मेरे को कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, ये बता दे 6 महीने में हमारे बच्चों को कितने बार कितने राउंड फायर करवाए हैं? 1 महीने में कई बार आता है कि फायर करने के चले जाएंगे, उसमें 5 राउंड दे दिए आपकी सेहत सीधा लेने के लिए, 5 राउंड दे दिए फायर करने के लिए, 10 राउंड में हम ट्रेन कर लेंगे? हम इतना सिखलाई करने के बाद भी हमारे से कई बार कोई हादसा हो जाता है, तो 6 महीने में हम नहीं मान सकते कि 6 महीने उसने पूरी ट्रेनिंग दे दी। मैंने 16 साल किया है, 16 साल में मेरे को सीखने को ही मिला है, ऐसा नहीं कि मैं बहुत ट्रेंड बन गया, हर बार हर जगह पे कुछ ना कुछ मेरे को सीखने के लिए मिलता है। अभी गांव में आया हूँ और कुछ सीखने को मिल रहा है, तो 6 महीने में कैसे सीख लिया आदमी ने? कई जुंटों में चले गए हैं, जो पीछे एरिया में रहती है उसको लिए जुंटों ने उनको डंडे से नौकरी करा रही हैं और इसको हथियार दे दिया उधर जाकर, बहुत गलत चीज़ है। इतने खतरे वाली जगह में नवे लड़के को भेजने का कारण नहीं था, उसको इधर राजस्थान में रखते, राजस्थान में उन्हें सिखलाई देते हो, साल में एक साल और देते मैदानी इलाके में। उन्हें उसने जमा बॉर्डर में सेल दिया जिससे हर वक्त गोली चलती है, पुंछ में ड्यूटी, हाँ पुंछ में उत्थे बच्चा क्या, उसने बच्चे ने बोला भी पहला 2-3 कहता भी इतने शहीद हो गए, वो जोड़े रेडीमेंट से पक्के पहला उन्होंने हुई जोड़े अफसर से उन्होंने। अगर नए लड़के को लेके जाते हैं ड्यूटी में तो उसके साथ पुराना नौजवान चाहे एनसो है, हवलदार है, सिपाही है, होना चाहिए ना। जब बच्चा नया आया है उसको नहीं पता चलता, धीरे धीरे ट्रेन करेंगे तो सभी कुछ पता चल जाता है। आपका नाम क्या हो? मेरा नाम अमरीक सिंह है, मैं 5 सिख रेजिमेंट से रिटायर हुआ था 2016 में।
और आप इनके चाचा वगैरह हैं या गांव से? मैं इसी गांव का हूं। हमारा और इनका जो खेती है एक ही जगह में है, इकट्ठे हैं हम इसी गांव में रहते हैं। इसलिए हमारे को सबसे बड़ी है कि मैं खुद फौजी हूं, हमारे बच्चे के साथ हुआ है ना, तो मेरे के लिए तो मेरे ही बच्चा है, कल को किसी और बच्चे के साथ भी हो जाएगा। हमारे गाँव में 3 जे अग्निवीर हुए हैं, 2 है अभी, वो सिख रेज में चले गए, 1 जे था। आगे से हम गांव में भर्ती नहीं होने देंगे, बोलेंगे अग्निवीर में नहीं जाना है, कोई परमानेंट ड्यूटी में आएगा तो कर लो, नहीं छोड़ दो, अपने घर में खा लो, फौज में जाने का कोई फायदा नहीं है, अग्निवीर में बिल्कुल नहीं जाने देंगे। तो आपके ड्यूटी के समय पर भी ऐसा कोई इंसिडेंट कभी हुआ, कोई ऐसी घटना हुई कि जिस तरह से अभी बताया जा रहा है कि उसने खुद से कर लिया इसलिए उसको सम्मान नहीं मिल रहा है? मैंने अपनी नौकरी में ऐसा कोई चांस नहीं देखा कि किसी ने अपने आप खुद कर लिया हो। हम हथियार सफाई करते हैं, कई बार कोई फायर हो सकता है, खाली कार में कोई फायर हो सकता है, बच्चे की गलती से हो सकता है रह जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने आज तक तो कभी देखा नहीं है कि किसी ने मेरे सामने मेरी जुंट में, तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। ये तो समझे बाहर बात है कि क्या कर रहे हैं, पहले कुछ नहीं हुआ, अब जैसे जैसे न्यूज आ रही है उसके बाद में सभी बोल रहे हैं। सबसे बड़ी शर्मनाक हमारे को यही लग रही है कि उसको कम से कम गार्ड ऑफ ऑनर देना चाहिए था, श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी। तो जो लोग आए थे, जो अधिकारियों की बात आप कर रहे हैं, सिविल वर्दी में थे वो, तो वो आने के बाद उनके पार्थिव शरीर को उतार करके वो तुरंत वापस चले गए या फिर वो बाद में जो है वो अंतिम संस्कार में शामिल होकर के कुछ देर बाद में गए हैं? शामिल होए थे। शामिल होने वाले जो पंजाब पुलिस आ गई, सलामी दिती उन्होंने, उदू बाद विच भी वो सूबेदार सी जो उसको फोन मार के बुला के पासे पुसे था, फिर बुलाया उसको, फिर आया, फिर माड़ी सलामी उसने दी। बस जो वो जेसू आए थे ना, वो सिविल ड्रेस में थे, उनका तो ठीक है, जून से ड्यूटी लगा दिया कि भाई जे आप चले जाओ, इस बच्चे को उधर लेके चले जाओ, इसका जैसे संस्कार हुआ ना उसके बाद उनसे सलामी देकर फिर वो चले गए हैं। जब तक उसका संस्कार नहीं हुआ तब तक तो इसी गांव में थे, उसके बाद चले गए थे। तो अब आपका सरकार से क्या डिमांड है? हमारी सरकार से यही डिमांड है, जो अग्निवीर है इसको बंद कर दिया जाए, अगर आर्मी में बच्चे लेके जाने हैं तो उसको रेगुलर करना पड़ेगा। हम ऐसे अग्निवीर में बिल्कुल भर्ती नहीं होने देंगे, हम पूरे पंजाब में पूरे हिंदुस्तान में इसका विरोध करेंगे। अग्निवीर ये कैसे बना दिया, इसका क्या रूल है, बहुत गलत है, हम अग्निवीर में भर्ती नहीं होने देंगे। मेन कारण आपको क्या लगता है, क्या ट्रेनिंग की वजह से आप लोग को लगता है कि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, या 4 साल की जो टाइम पीरियड है वो कम है, या जो एक आम सैनिक को पहले जो फैसिलिटी होती थी वो नहीं है, क्या वजह क्या मानते हैं? हम दोनों वजह मानेंगे, एक तो इसकी ट्रेनिंग भी कम कर दी है, दूसरी बात ये है जिस बच्चे को ये पता है कि मेरे को तो 5 साल बाद ही निकाल देंगे तो दिल से आर्मी में काम नहीं करेगा, उसको कोई फैसिलिटी नहीं है, उसको पेंशन लागू नहीं है, तो कैसे करेंगे हम? जो आदमी को पता है ना कि मैं कितनी भी सर्विस कर लूँ मैं अच्छा करूँगा, मेरे को अच्छा रैंक मिलेगा, अहदे के लिए आदमी अच्छा करता है, ईमानदारी के लिए अच्छा करता है, देश के लिए अच्छा करता है, तभी जाके उसके दिल में एक स्वभावना बनती है कि मैं 16 साल 20 साल करके घर में चला जाऊँ तो अपना जो बुढ़ापा है वो पेंशन के जरिए निकाल लूँगा। इसलिए नौकरी आदमी करता है, अगर हमारे को पेंशन ही लागू नहीं है तो कौन जाएगा? मेरे हिसाब से तो आर्मी में लोग जाना बंद कर देंगे, नहीं जाएगा। जो अधिकारी आए थे उनकी आपसे बात हुई, क्या बताया, कुछ कहा उन्होंने आप? उसके कुछ नहीं बताया, जो बोला भी जो उतना बोलिया बस उतना ही बोलिया, बस माड़ा मोटा जो करके वो, और कुछ नहीं बोला था, वो अफसर करने के जो करने, हम कुछ नहीं कर सकते। कोई लेटर वगैरह कुछ आपको दिया? लेटर जो कागजात जुंट ने बना के दिए हैं, जैसे कि हमारे को बॉडी रिसीव करवा दिया है, विटनेस के साइन हो गए, गांव के सरपंच के हो गए, वो करके लेके चले गए और हमारे एक कॉपी हमारे को दे दिया है। मैं अभी जब यहाँ पर आया तो कुछ लोगों ने बताया कि तिरंगा भी वो वापसी ले गए जी, ले गए, ये दे के नहीं गए हमें। जो तिरंगा उसकी डेड बॉडी के ऊपर डाला हुआ था ना, मैंने उसको खुद इकट्ठा किया, फिर शायद चलो परिवार को दे देंगे, उसको भी साथ में लेके मतलब चले गए। वो तिरंगा आप ही नहीं इकट्ठा किया? मैंने खुद इकट्ठा किया था, मैंने ऊपर से खुद ही निकाला था उसको, जैसे हम फौज में रखते हैं ना तिरंगे की इज्जत करते हैं, वैसे हमने उसको उसकी जो तह लगाते हैं लगा कर उसको रखा,
बाद में पता नहीं किसी लड़के से उसने मांग लिया और लेके चले गए। मेरे को यही था कि शायद इनको दे देंगे, चलो बच्चे की वर्दी वगैरह तो नहीं कुछ भी है, चलो बाप को हौसला हो जाएगा इसको दे देंगे। अरे सामान भी कोई नहीं दिया ना, पूरा सामान उठी आ, सामान साथ में कोई चीज़ नहीं लेके आए, जो से डॉक्यूमेंट आ सब कुछ उधरी है, कुछ नहीं दिया, उसका लीड़ा कपड़ा टैची सब मोबाइल उठी है। अभी आपको कोई सामान नहीं, नहीं दिया, कल उसके बूट आया जो उसके डाले हुए थे ना, उसके बस बूट दिया है नार बॉडी के और कुछ नहीं, और जो उसका पर्सनल सामान था वो कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, सब उधरी है, उसके डॉक्यूमेंट था सब उसके। आप कुछ क्या नाम है? हरजिंदर शर्मा ही। हाँ हरजिंदर शर्मा। तो अभी इधर से हैं? हाँ जी हाँ, इसी गांव के हैं। तो क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? ये घटना बहुत माड़ी है जी, ते बच्चे का अपमान किया, ये सरकार ने बच्चे का अपमान किया है, ते मतलब जो डेड बॉडी थी उसको जो झंडा था ऊपर वो भी ला के ले गए, दूसरा सलामी वगैरह कुछ नहीं दिया जी, इसलिए अपने हमारे गांव में और इलाके में इसका पूरी विरोध है गई। तो आप लोगों ने एसएसपी से जो बात किया वो आप लोगों ने किया, किसने किया, गांव के लोगों ने किया? हाँ गांव वाले ने करा, हमारे साथ मतलब इधर पंजाब पुलिस के एसआई थे, उसको बताया गया भी इसके बारे में कुछ पता कर लो आप लोग, तो फिर मानसा जो एसएसपी साहब हैं उस उनसे बात किया, फिर उन्होंने जो मतलब पंजाब पुलिस की एक टुकड़ी है वो भेज दिया जिसने पूरा सलामी दिया, हम पंजाब सरकार का भी धन्यवाद करते हैं। तो जिस तरह से देश में गुस्सा है, आपको लग रहा है कि आपके साथ में इंसाफ होगा? क्योंकि अभी जो बातें आ रही वो तो यही कि खुद से उन्होंने जो है अमृतपाल ने गोली लगा ली, तो उम्मीद है आपको आगे? ऐसे कैसे लगा लेगा भी, गोली लगा लेगा जी, इंसाफ मिलना चाहिए, वो तो कल 10 बच्चे को होर कह देंगे इसने गोली लगा ली, जो उत्थे शहीद होएगा उसका शहीद उन्हें दर्जे नहीं देना, वो तो हर एक बच्चे को कह देंगे इसने आप गोली लगा ली, ऐसे कैसे बच्चा गोली लगाएगा, उन्हें ड्यूटी करने के लिए हिम्मत के साथ उन्हें वर्दी पाई आ, वर्दी डाली आ, तो फिर ऐसे गोली मारने के लिए गया उत्थे, वो उसके माँ बाप आ, उसके बहन भाई आ, उसके सोच के गया वो लड़का भी मेरे घर में मैं घर के वास्ते आ चीज़ बना के दूंगा, बहना के ब्याह करूंगा, वो ऐसा थोड़ा भी मैं गोली मार लेंगे फिर जाता क्या। कल जो ट्वीट आया जो सेना की तरफ से जो ट्वीट किया गया है वो मैंने देखा है, तो उसमें यही है कि ऊपर जो है उसमें जो पैरे में लिखा हुआ है ये है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के जो है ऑर्डर दे दिए गए हैं, और उसके बाद में नीचे लिखा है कि गोली जो है वो कर लिया है, तो आपको लग रहा है कि दोनों चीज़ें भी अलग अलग है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जब चल रही है और उसके साथ साथ नीचे ये बताया जा रहा है कि खुद से गोली मार ली इसलिए अब नई जो पॉलिसी है उसके तहत शहीद नहीं मानेंगे? बात ऐसा है जो जुंट होती है ना वो अपने लेवल में क्या करेगी कैसे करेगी वो तो एक सीओ के ऊपर डिपेंड होता है, उधर कैसे हो गया, इस बाप को इसकी माता को किसी को कुछ नहीं बताया गया, उधर से कॉल आता है कि इसके बच्चे की डेथ हो गई है, तो लड़का दूसरा भेज दिया, उसने घर में आके बता दिया, बोले हम डेड बॉडी लेके आ रहे हैं, ऐसे कैसे हो जाता है, हम नहीं मानेंगे ऐसा कि ऐसा कुछ हो गया है। देखो ट्वीट करना है कोई कुछ भी बोल सकता है, ऐसा कर लिया कोई कुछ बोलेगा, हम किसी को मना नहीं कर सकते, हर आदमी को अपनी बात रखने का हक है, जो अलग अलग सरकारें हैं जो भी मंत्री हैं अपने अपने बयान दे रहे हैं, जे पंजाब में है अकाली दल है कांग्रेस है आम आदमी है, हर आदमी अपनी अपनी आवाज़ उठाएगा अपने अपने तरीके से इस बच्चे की मदद करने के लिए कोशिश करेगा, हम भी यही बेनती करेंगे गवर्नमेंट से कि इस बच्चे की मदद करें, कम से कम इसके परिवार को 2 करोड़ रुपया तो सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है ना, बच्चा तो हम नहीं लेके आ सकते, अभी इनका बढ़ेपा कैसे निकलेगा, 20 साल का बच्चा किया है, अभी आज वो खुद अपना बच्चा भेज के देखें उसको 5 साल में बोले हम ले जाएंगे, फिर पता चलेगा इसका क्या होता है, बहुत शर्मनाक बात है जी।